नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक्स, मतलब कि एकेडमिक पार्ट है वो, उसके सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और बिल्कुल एक नए कलेवर में क्वेश्चंस हैं वो लेकर के आए हूँ, जो रिसेंट ट्रेंड में पूछे जा रहे हैं, अभी की जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। पुराने ट्रेडिशनल पैटर्न है वो क्वेश्चन पेपर के बदल गए हैं, इसलिए जो रिसेंट क्या ट्रेंड चल रहा है वो भी हम क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे। और ये क्वेश्चन है बहुत ही जरूरी होने वाले हैं आगामी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि डीसी एसी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन ईएमआरएस एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी केवीएस एनवीएस एंड दीज क्वेश्चंस आल्सो यूजफुल फॉर द टेट एग्जामिनेशंस लाइक सीटेट यूपीटेट एचपीटेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नॉलेज मंडली एक ही प्लेटफॉर्म पर ऑथेंटिक और रिलायबल कंटेंट है आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है। नॉलेज मंडली पर इन सभी पोस्ट के लिए भी कंटेंट अवेलेबल है, जैसे कि एसओ एएसओ ओएस ऑडिट असिस्टेंट यूडीसी एलडीसी एंड अदर पोस्ट। इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नॉलेज मंडली है एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे कंटेंट, जैसे कि एकेडमिक पार्ट है, सर्विस रूल्स है और पेपर का जनरल पार्ट है, वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो डियर फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक्स पर। विच ऑफ दीज इज करेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, इनमें से कौन एक रचनावादी कक्षा की विशेषता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए लर्नर्स आर पैसिव इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, बी मैक्सिमम एम्फेसिस इज गिवन ऑन रोट मेमोराइजेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक, सी आस्किंग ऑफ क्वेश्चंस बाय चिल्ड्रन इज नॉट एनकरेज्ड इन द क्लासरूम, डी द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऑफ चिल्ड्रन आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नॉलेज इन द क्लासरूम। तो क्या लक्षण होना चाहिए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के लिए, रचनावादी कक्षा की क्या विशेषता होनी चाहिए इनमें से। बिल्कुल सही सोच रहे आप, सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नॉलेज इन द क्लासरूम। ये बिल्कुल फिट बैठता है रचनावादी कक्षा के लिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी पॉइंट देख लेते हैं, लर्नर्स आर पैसिव इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, बिल्कुल गलत है, बकवास पॉइंट है। बी में देख लेते हैं, मैक्सिमम एम्फेसिस इज गिवन ऑन रोट मेमोराइजेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक, रोट मेमोराइजेशन है, ये भी गलत है। आज के सिनारियो में रटने को बहुत गलत माना जाता है, रटंत विद्या नहीं होनी चाहिए। सी में आस्किंग ऑफ क्वेश्चंस बाय चिल्ड्रन इज नॉट एनकरेज्ड इन द क्लासरूम, ये नॉट है, ये भी एक नेगेटिव सेंस लेके आया है, इसलिए इस नॉट के साथ में रचनावादी कक्षा नहीं हो सकती है। डी पॉइंट है, फिट बैठ रहा है रचनावादी कक्षा के लिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के लिए, द प्रीवियस एक्सपीरियंसेज ऑफ चिल्ड्रन आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नॉलेज इन द क्लासरूम। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला सवाल देख लेते हैं, 322, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ ऑफ ए टीचर इज डेट्रीमेंटल टू स्टूडेंट्स लर्निंग, शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास छात्र के सीखने के लिए हानिकारक है, मतलब कि डेट्रीमेंटल है, जो सीखने में बाधा पैदा कर सकता है, नुकसान दे सकता है। तो शिक्षक का कौन सी सोच है, कौन सा विश्वास है इनमें से गलत होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ए एरर्स आर ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, बी मेकिंग एरर्स इज ए शेमफुल एक्ट फॉर द लर्नर्स, सी एरर्स प्रोवाइड इनसाइट इनटू द गैप्स इन द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर, डी लर्नर्स मस्ट बी गिवन द स्पेस टू मेक एरर्स विदाउट फियर ऑफ बीइंग रेप्रीमेंडेड। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा कि कौन सा विश्वास है गलत होता है, यहाँ पर बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, मेकिंग एरर इज ए शेमफुल एक्ट फॉर द लर्नर्स, ये सोच बिल्कुल गलत है टीचर की। यहाँ पर शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है कि बच्चे ने गलती करी है, बच्चा गलतियों से ही सीखता है, गलतियों से ही उसमें निखार होता है, तो कोई शर्मिंदा की बात नहीं है, शेमफुल प्रोसेस नहीं है। इसलिए ये सोच है वो क्या कर रही है, बच्चे को डेट्रीमेंटल हो रही है, किसके लिए, सीखने के लिए, उसका टीचर का विश्वास है, बिल्कुल गलत है कि ये एक शर्मिंदगी की बात है कि तूने इसका उत्तर नहीं दिया है, ये सोच है बिल्कुल गलत है। बाकी पॉइंट देख लेते हैं, एरर्स आर ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, बिल्कुल ये लर्निंग का एक पार्ट होता है, गलतियां ही सीखने का हिस्सा होती है, तो सही पॉइंट हो जाता है सी में, एरर्स प्रोवाइड इनसाइट
इनटू द गैप्स इन द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर, मतलब गलतियां हैं उनसे हमें पता लगता है कि बच्चा है कहाँ तक सीख गया है, कहाँ उसकी कमियां रह गई हैं, तो उसकी इनसाइट को बताता है, वो नए तरीके से सोच करके गलत उत्तर लिख रहा है तो भी इनसाइट को बता रहा है, और लर्निंग गैप्स है उनको भी बताता है, तो एरर है वो बच्चे को एसेस करने में मदद करती है। डी में लर्नर्स मस्ट बी गिवन द स्पेस टू मेक एरर्स विदाउट फियर ऑफ बीइंग रेप्रीमेंडेड, मतलब कि बच्चे निंदा किए बिना, दंड दिए बिना ही एरर हैं वो क्या होने चाहिए, हमें देखने चाहिए, उनको कोई डर नहीं होना चाहिए कि गलती करेंगे तो पिटाई होगी या निंदा होगी, आपको लताड़ा जाएगा, झड़का जाएगा, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीजें पॉइंट है वो ठीक हो जाते हैं, पहला भी सही है और सी भी सही है, डी भी सही है, परंतु बी पॉइंट है वो गलत हो रहा है, ये बिलीफ है टीचर का गलत है जो कि डेट्रीमेंटल है स्टूडेंट के लिए, और हमारा उत्तर भी यहाँ पर क्या हो रहा है, बी हो रहा है, क्योंकि गलत पॉइंट हमें ढूंढना था कि जो आपके टीचर को नेगेटिव सेंस लेकर के डेट्रीमेंटल करवा रहा है कि स्टूडेंट की लर्निंग को वो प्रभावित करवा सकता है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लेते हैं 323। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, निम्नलिखित में से कौन बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, मतलब कि दो तरीके के मोटिवेशन होते हैं, एक इंट्रिंसिक होता है दूसरा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होते हैं, तो बाह्य अभिप्रेरणा है जो बाहर से आती है, तो इनमें से हमें पता लगाना है कि किस में एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं ए, व्हाइल डूइंग रिसर्च अरमान कंसल्ट्स वेरियस सोर्सेज टू बी श्योर अबाउट हिज लर्निंग, बी रेयान रिसर्चेज फ्रॉम मेनी सोर्सेज फॉर ए प्रोजेक्ट टू गेट ए कैश प्राइज, सी टू एंश्योर सेल्फ सेटिस्फेक्शन सितारा टेक्स रेगुलर फीडबैक फ्रॉम हर सीनियर्स, डी फॉर पर्सनल इंटरेस्ट एंड टू इम्प्रूव हिज कैपेबिलिटीज कुलमीत प्रैक्टिसेज द टास्क रेगुलरली। तो क्या सही उत्तर यहाँ हो जाएगा, बाह्य लर्निंग का कौन सा पॉइंट है, बाह्य मोटिवेशन का पॉइंट किस में, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, देख लेते हैं। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी, रेयान रिसर्चेज फ्रॉम मेनी सोर्सेज फॉर ए प्रोजेक्ट टू गेट कैश प्राइज, कैश प्राइज के लिए, मतलब कि कोई प्राइज है, अवार्ड है या इस तरीके की कोई चीजें हैं, वो क्या होती हैं, बाह्य मोटिवेशन होते हैं, वो आंतरिक मोटिवेशन नहीं होते। वो रिसर्च क्यों कर रहा है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट से क्या प्राप्त करना चाह रहा है, कैश प्राइज प्राप्त करना चाह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं, व्हाइल डूइंग रिसर्च अरमान कंसल्ट्स वेरियस सोर्सेज टू बी श्योर अबाउट हिज लर्निंग, तो वो जान रहा है सीखने के लिए क्या कर रहा है, बहुत सारे सोर्सेज कोई लर्निंग के लिए सोर्सेज से चर्चा कर रहा है, जांच रहा है, विचार विमर्श कर रहा है, तो खुद की लर्निंग के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, सेल्फ मोटिवेशन हो जाएगा, इसमें आपको इंट्रिंसिक आ जाएगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा। बाकी में देख लीजिए, सी में देखते हैं टू एंश्योर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, यहाँ देखिए ये इंट्रिंसिक हो गया, सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो गया, सितारा टेक्स रेगुलर फीडबैक फ्रॉम हर सीनियर्स, और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है फॉर पर्सनल इंटरेस्ट, तो यहाँ पर्सनल इंटरेस्ट है ये भी क्या हो जाता है, इंट्रिंसिक आ जाता है, क्योंकि पर्सनल इंटरेस्ट है वो बाहर से नहीं थोपा जा सकता है, तो ये सब सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, पर्सनल इंटरेस्ट है और लर्निंग है, ये सब क्या हो रहे हैं, इंट्रिंसिक हो रहे हैं, जबकि प्राइज के लिए, कैश प्राइज के लिए है, तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ दिखाई दे रहा है, सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 324, ड्यूरिंग द COVID-19 पेंडेमिक हैज नेगेटिवली अफेक्टेड द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट, COVID-19 महामारी के दौरान परीक्षा में छात्रों के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, इस कथन में निम्नलिखित में से किस संबंध पर प्रकाश डाला गया है, ऑप्शन देख लेते हैं ए कॉम्पिटिशन एंड कॉग्निशन, बी कॉग्निशन एंड इमोशंस, सी हेरेडिटी एंड परफॉर्मेंस, डी हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा कॉम्पिटिशन एंड कॉग्निशन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि COVID-19 की वजह से एग्जामिनेशन है उनमें नेगेटिव रिजल्ट आए, नेगेटिव परफॉर्मेंस आए, अगर आप कोई परीक्षा दे रहे हैं तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई थी पेंडेमिक की वजह से, तो वहां पर रिजल्ट है वो कम आए, तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिशन हो जाएगा, और
जब कंपटीशन में गिरावट आई, आपका परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, तो कॉग्निशन मतलब कि संज्ञानात्मक ज्ञान है वो भी डाउन हुआ है, तो कंपटीशन और कॉग्निशन दोनों चीजें हैं प्रभावित हुई। किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से। बाकी चीजें नहीं होती है, कॉग्निशन है ना, इमोशंस है, ये गलत बात हो रही है, ये फिट नहीं बैठता है यहाँ पर। हेरेडिटी एंड परफॉर्मेंस है, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि हेरेडिटी तो अनुवांशिक होते हैं और अनुवांशिकता की वजह से परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, तो ये भी गलत है। इसके बाद में हेरेडिटी एंड एनवायरमेंट है, मतलब कि वो अनुवांशिकता की वजह से उसमें कोई कमियां आ गई है और वातावरण भी ठीक नहीं मिला है, तो भी परफॉर्मेंस है वो नहीं होगा, इस तरीके से डाउन नहीं होगा। यहाँ पर पहला पॉइंट है कोविड-19 में नेगेटिव इफेक्ट आए हैं, रिजल्ट आए हैं, तो क्या पॉइंट को ये प्रदर्शित कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है, कंपटीशन एंड कॉग्निशन को हाईलाइट कर रहा है। सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 325, लर्निंग इज मोर मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव व्हेन इट इज मेजरली अधिगम, अधिक सार्थक और प्रभावी होता है जब ये प्रमुख रूप से होता है, क्या होता है, किससे रिलेटेड होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए टीचर्स डायरेक्टेड, बी डायरेक्टेड बाय पीयर्स, सी टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, डी सेल्फ डायरेक्टेड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, सेल्फ डायरेक्टेड। सेल्फ डायरेक्टेड, इससे पहले वाले हमने क्वेश्चन में देखा कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होते हैं, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है कि स्वय अभिप्रेरणा होती है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है, तो वहां पर अधिगम है वो मीनिंगफुल होता है, साथ में इफेक्टिव होता है, क्योंकि वहां पर सेल्फ मोटिवेशन आ रहा है, तो कोई दबाव नहीं है, वो सीखने की चाहत रखते हैं, जानने की चाहत रखते हैं, तो वहां पर कोई उसको थकावट नहीं होगी, कोई बोरियत नहीं होगी, तो ये सब बातें हैं किसके लिए फायदेमंद होती हैं, लर्निंग के लिए फायदेमंद होती हैं। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होगी तो मीनिंगफुल भी होगी और इफेक्टिव भी होगी। सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 326, द सोशल एक्सपेक्टेशंस एट ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज रेफर्ड टू एज, हिंदी अर्थ देख लेते, विकास के प्रत्येक चरण में सामाजिक अपेक्षाओं को कहा जाता है, मतलब कि डेवलपमेंटल स्टेजेज होती हैं वहां पर सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए डेवलपमेंटल टास्क, बी डेवलपमेंटल नीड्स, सी डेवलपमेंटल हैजार्ड्स, डी डेवलपमेंटल डोमेन्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए डेवलपमेंटल टास्क। डेवलपमेंटल टास्क का मतलब होता है कि जिस चरण में बच्चा होता है उससे अपेक्षाएं की जाती हैं कि वो उसी तरीके का वो कार्य करे। अगर 9 महीने का हो गया तो माँ बाप और समाज ये सोचते हैं कि बच्चा चलना सीखे, बोलने के लिए भी मुंह चलाना सीखे, तो वो एज के अनुसार उसकी क्या हो रही है, एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं। तो नॉलेज मंडली इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहता है, नॉलेज मंडली डिस्प्ले बोर्ड है, इस पर कुछ कहना चाह रहा है कि विकास के प्रत्येक चरण में सामाजिक अपेक्षाओं को कहा जाता है तो डेवलपमेंटल टास्क कहा जाता है, और समझ लेते हैं नॉलेज मंडली डिस्प्ले बोर्ड के द्वारा क्या मतलब होता है। नॉलेज मंडली डिस्प्ले बोर्ड है वो डेवलपमेंटल टास्क को क्या बोल रहा है, डेवलपमेंटल टास्क आर सोशल एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए पर्टिकुलर एज, हैविंग होस्ट वाज द फर्स्ट डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो जो सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एज के अनुसार जो अपेक्षाएं करता है समाज उनको डेवलपमेंटल टास्क बोलते हैं, मतलब कार्य बोलते हैं। बच्चा 2.5-3 साल का हो गया तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो बच्चा स्कूल जाए और स्कूल जा करके पढ़ाई शुरू कर दे, पढ़ाई में भी हर एज में उससे अपेक्षाएं की जाती हैं कि वो बोलना सीखे, चलना सीखे, लिखना सीखे, तो ये क्या हो जाते हैं, डेवलपमेंटल टास्क हो जाती हैं। तो सही उत्तर हमारा वहां पर हो रहा था डेवलपमेंटल टास्क, सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं वो डेवलपमेंटल स्टेज के अनुसार होती हैं, उनको हम कहते हैं डेवलपमेंटल टास्क। आगे का सवाल देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 327, डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट। ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी इन एन आउटवर्ड डायरेक्शन, बी डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सी इज यूनिडाइमेंशनल, डी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई इन्वायरमेंटल एफर्ट्स। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, रसगुल्ला है, गपक लीजिए,
पूछ लिया जा सकता है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी इन एन आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि सेंटर से शुरू होता है और बाहर की ओर जाता है। प्रोक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट इसको कहते हैं, जहां पर सबसे पहले विकास है वो अंदर की ओर होता है, मतलब कि सेंटर के पार्ट हैं वो विकसित होते हैं, उसके बाद में आउटवर्ड मतलब कि डिजिट्स हैं, टॉय है उनकी ओर, उनका मूवमेंट है या चलना है, कंट्रोल है, वो होता है। तो सही उत्तर हमारा हो गया ए। आगे का सवाल देख लेते हैं, 328। ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इनेक्ट सीन्स फ्रॉम ए पॉपुलर डांस रियलिटी शो इन देयर प्ले एज ए जज। 8 years ओल्ड सना गिव्स कमेंट्स ऑन अदर चिल्ड्रंस डांस। दिस सिचुएशन हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ डैश इन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों का एक समूह अपने नाटक में एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्यों का अभिनय करता है। जज के तौर पर 8 साल की सना दूसरे बच्चों के डांस पर कमेंट करती है। यह स्थिति बच्चों के समाजीकरण में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है। तो किस चीज के बारे में प्रकाश डालती है? सना है, वो क्या कर रही है? रियलिटी शो के लिए जज का काम कर रही है और कमेंट भी कर रही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, बी फैमिली, सी मीडिया, डी स्कूल। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी मीडिया, क्योंकि वो मीडिया है, वो क्या कर रही है, एक फेमस नाटक है उसमें दृश्य अभिनय हो रहा है, रियलिटी शो हो रही है, तो मीडिया में टीवी में शो है वो आ रहा है, तो उसमें सना कमेंट कर रही है, बच्चे अभिनय कर रहे हैं। तो सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, समाजीकरण का कौन सा भाग है यहाँ पर दिखाया जा रहा है? मीडिया दिखाया जा रहा है, संचार माध्यम दिखाए जा रहे हैं जिससे सोशलाइजेशन बच्चे का हो रहा है। सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 329। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन विच स्टेज चिल्ड्रन गेन द एबिलिटी टू सैरिएट ऑब्जेक्ट्स इन ए स्पेसिफाइड ऑर्डर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में क्रमबद्ध करने की क्षमता प्राप्त करते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, ए सेंसरी मोटर, बी प्री ऑपरेशनल, सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, डी फॉर्मल ऑपरेशनल। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा है क्या करना सीख जाता है, सैरिएट ऑब्जेक्ट्स को क्रमबद्ध करना सीख जाता है, मतलब कि बच्चे हैं वो अपने खिलौनों को साइज के अनुसार, छोटी साइज के, बड़ी साइज के, इस तरीके से वो अरेंज करना सीख जाता है। इसका मतलब है कि उसको मूर्त वस्तुएं हैं उनको क्रमबद्ध करने का तरीका वो आ गया है, तरीका सीख गया है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 330। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एन ऑनगोइंग प्रोसेस विच रिफाइंस एंड ट्रांसफॉर्म्स मेंटल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड। जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है डैश कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन देख लेते हैं, ए डेफर्ड इमिटेशन, बी ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, सी एसिमिलेशन, डी इक्विलिब्रेशन। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एन ऑनगोइंग प्रोसेस विच रिफाइंस एंड ट्रांसफॉर्म्स मेंटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इक्विलिब्रेशन, मतलब कि रिफाइन हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं वो रिफाइन हो रही हैं, ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, बदल रही हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? इक्विलिब्रेशन बोल रहे हैं। सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 331। After seeing students struggling to solve a problem, a teacher gave them hints and half-solved examples to assist them as per Lev Vygotsky's theory. This is an example of. बहुत ही important question है। छात्रों को किसी समस्या को हल करने के लिए संघर्ष करते हुए देखने के बाद एक शिक्षक ने अब उनकी सहायता के लिए उन्हें संकेत और आधे हल किए उदाहरण दिए। Lev Vygotsky के सिद्धांत के अनुसार ये डैश का एक उदाहरण है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा है वो कोशिश कर रहा है, कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, परंतु वो कोशिश है उसकी नाकाम हो जा रही है बार बार। तो यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है, उसको सिर्फ हिंट दे रहा है और आधा सॉल्व, पूरा नहीं, आधा सॉल्व करके और उसका एग्जाम्पल उसको बता रहा है। तो वो सवाल भी नहीं हल कर रहा है, उसके जैसा वो कोई एग्जाम्पल दे के हाफ सॉल्व क्वेश्चन उसको दिखा रहा है।
तो क्या कर रहा है शिक्षक यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्केफोल्डिंग, बी रिवर्सिबिलिटी, सी सेरिएशन, डी एक्सपोजिटरी टीचिंग। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए स्केफोल्डिंग। टीचर है वो क्या कर रहा है, सिर्फ कोशिश करने वालों को हिंट दे रहा है या हाफ सॉल्व एग्जाम्पल बता रहा है। बच्चा बार बार कोशिश कर रहा है परंतु फाइनल आंसर नहीं ला पा रहा है, तो उसको हिंट दे रहा है या उसकी मदद कर रहा है, और इस मदद को क्या बोलते हैं, स्केप होल्डिंग बोलते हैं। लेग वाइगोटस की है वो जुड़े हुए हैं स्केप होल्डिंग के बहुत फेमस स्टेटमेंट से। सही उत्तर हमारा हो जाए ए। क्वेश्चन नंबर 332, विच थ्योरिस्ट असर्टेड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज ए कोलैबोरेटिव प्रोसेस। किस सिद्धांतकार ने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगी प्रक्रिया है। बिल्कुल एक छोटा सा और मुरमुरा क्वेश्चन आ गया है कि किससे संबंधित है, कोलैबोरेटिव प्रोसेस है वो किस थ्योरिस्ट ने दी थी। ऑप्शन देख लेते हैं, ए लेव वाइगोत्स्की, बी इवान पावलोव, सी बी एफ स्किनर, डी जॉन बी वॉटसन। कौन है जिन्होंने सहयोगी प्रक्रिया के द्वारा संज्ञानात्मक विकास की बात करी थी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की है उसने कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करी, जहां पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है कोलैबोरेटिव प्रोसेस के द्वारा। मतलब कि संज्ञानात्मक विकास है वो किसके द्वारा होगा, पीयर लर्निंग के द्वारा होगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग के द्वारा होगा, कोलैबोरेटिव प्रोसेस के द्वारा होगा, और इससे बहुत फेमस नाम जुड़ा हुआ है वो लेव वाइगोत्स्की का है। सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 333, वन ऑफ द चीफ क्रिटिसिज्म ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी इज दैट। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना यह है, बिल्कुल रोबड़ा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है, क्या आलोचना हुई थी। लॉरेंस कोलबर्ग ने बहुत फेमस सिद्धांत दिए परंतु उसको भी क्रिटिसाइज कर लिया गया, क्या क्रिटिसिज्म उसका था, देख लेते हैं। ऑप्शन में ए हिज थ्योरी अंडरमाइंस द फेमिनाइन पर्सपेक्टिव, बी He did not refer to Piaget's theory of moral development. C. He does not propose specific responses of children at each stage. D. He did not conduct any research on children. तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा A. His theory undermines the feminine perspective. मतलब कि लड़कों पर ज्यादा उन्होंने रिसर्च किए, लड़कों पर ही सिद्धांत बताए थे, परंतु लड़कियों के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं करी और उनके बारे में सिद्धांत भी नहीं बताए। तो ये आरोप लगाए जाते हैं कि यहाँ पर जेंडर बायस्ड है, वो सिर्फ लड़कों के बारे में बात करते हैं, लड़कियों के बारे में नहीं बात करते हैं। तो बहुत बड़ा ये क्रिटिसिज्म है कि हिज थ्योरी अंडरमाइंस द फेमिनाइन पर्सपेक्टिव। अंडरमाइंस का मतलब है कि उन्होंने कमतर नाप करके उनको महत्व नहीं दिया फेमिनाइन करेक्टर को, महिलाओं को। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली बिल्कुल ऑथेंटिक और रिलायबल कंटेंट है, एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करवा रहा है, जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट है वो भी अवेलेबल है। आप नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट में जाइए और सारे कंटेंट है उनको देख करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर डीसी एसी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए एकेडमिक पार्ट है, साथ में एसओ एएसओ ओएस ऑडिट असिस्टेंट यूडीसी और दूसरे एग्जामिनेशंस के लिए भी कंटेंट है वो अवेलेबल है, जिनमें सर्विस रूल्स हैं, साथ में ही जनरल पार्ट है, कंप्यूटर रीजनिंग मैथमेटिक्स हिंदी इंग्लिश सारे कंटेंट है अवेलेबल है। इसलिए आप एक ही प्लेटफॉर्म पर अपने आप को प्रिपेयर करिए और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि आप सर्विस करते हैं, आपको समय नहीं मिलता है, तो ऑफ आवर में आप नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी परीक्षाओं के लिए और सफलता को निश्चित कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 334, हॉवर्ड गार्डनर सजेस्टेड दैट देर आर डिस्टिंक्ट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस वॉज नॉट प्रपोज्ड बाई गार्डनर। हॉवर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है, गार्डनर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि का प्रस्ताव नहीं दिया गया था। तो उन्होंने कई प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया परंतु कौन सी बुद्धि के बारे में उन्होंने नहीं बताया था, ये देख लेते हैं। ऑप्शन में ए म्यूजिकल, बी लिंग्विस्टिक, सी बॉडी कानेस्थेटिक, डी प्रैक्टिकल। सही उत्तर हमारा हो रहा है डी।
प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बुद्धि के बारे में उन्होंने नहीं बताया था, म्यूजिकल बुद्धि के बारे में बताया, लिंग्विस्टिक के बारे में बताया, बॉडी काइनेस्थेटिक के बारे में बताया, परंतु प्रैक्टिकल बुद्धि के बारे में यहाँ पर गार्डनर ने नहीं बताया। और नॉलेज मंडली डिस्प्ले बोर्ड है, गार्डनर के द्वारा दी गई बुद्धि के प्रकार है उनके बारे में बताना चाह रहा है। नॉलेज मंडली डिस्प्ले बोर्ड कुछ कहना चाह रहा है, गार्डनर ने क्या क्या बातें बताई थी। गार्डनर इंट्रोड्यूस 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड कंसिस्टिंग ऑफ, कौन कौन सी चीजें हैं, 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में गार्डनर ने बताया था। और वो कौन कौन सी है, लिंग्विस्टिक है तो लिंग्विस्टिक यहाँ आ रहा है, साथ में लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशियल और बॉडीली काइनेस्थेटिक है तो बॉडीली काइनेस्थेटिक यहाँ पर आ गया, म्यूजिकल भी बताया तो म्यूजिकल भी आ गया, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्ट ये सब बुद्धि के बारे में बताया था। तो 8 प्रकार की बुद्धियां यहाँ पर हो गई हैं। यहाँ ये एक है, फिर दूसरे नंबर पे है, फिर तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पर है, ये पांचवे नंबर पर है, ये छठे नंबर पर है, ये सातवें नंबर पर और ये आठवें नंबर पर है। तो लॉजिकल और मैथमेटिकल को उसने एक ही माना है कि जिसके पास में लॉजिकल पावर होगी, लॉजिकल इंटेलिजेंस होगी, तो मैथमेटिक्स में भी वो ठीक रहेगा। तो इस तरीके से 8 बुद्धियां बताई गई थी हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा, परंतु प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के बारे में उसने नहीं बताया था। अगला सवाल देख लेते, 335। विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स ए कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग अप्रोच इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम। मतलब कि इस तरीके के क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, रटे रटाए और ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, वो नहीं पूछे जाते आज के समय में। उनको एक नए रूप में, नए ढंग से, जिस तरीके से टीचिंग मेथडोलॉजी है वो बदल रही है, तो आपके क्वेश्चंस हैं वो भी बदल रहे हैं। आपसे भी अपेक्षा है वो अलग तरीके से की जा रही है। यहाँ पर रचनावादी है तो रचनावादी आपकी लर्निंग अप्रोच है, तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव क्लासरूम है उसमें कौन सी तरीके की चीज आपकी शामिल होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कक्षा में रचनावादी अधिगम उपागम को दर्शाता है, तो कौन सा है जो रचनावादी अधिगम उपागम को बताता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस, बी रोट मेमोराइजेशन एंड वर्बेटिज्म रिकॉल, सी रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, डी रिपीटेड ड्रिल एंड प्रैक्टिस। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस। मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग अप्रोच का प्रोग्रेसिव क्लासरूम के लिए लर्निंग अप्रोच हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस का मतलब है कि अलग तरीके से, अलग अलग डिफरेंट तरीके से सोच करके, व्याख्या करके और सीखा जा रहा है। दूसरे पॉइंट देख लेते हैं, रोट मेमोराइजेशन है, वर्बेटिज्म रिकॉल, ये बिल्कुल गलत है कि रट करके अक्षरश याद कर लेना, ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम के लिए नहीं हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम के लिए अप्रोच नहीं हो सकती। रिवार्ड्स और पनिशमेंट्स हैं ये भी बिल्कुल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के लिए ठीक नहीं है। और रिपीटेड ड्रिल एंड प्रैक्टिस मतलब करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, इसके बारे में बताया जा रहा है कि बार बार रिपीट करिए और प्रैक्टिस करिए, सीखिए, तो बार बार उसकी एनर्जी है वो लॉस हो रही है। तो अलग अलग तरीके से डिफरेंट आस्पेक्ट में सोच करके और यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविज लर्निंग अप्रोच है वो अपनाई जा सकती है, किसके लिए, प्रोग्रेसिव क्लासरूम के लिए। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 336। इन कंटेक्स्ट ऑफ मल्टीलिंग्वलिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट अप्रोच। बहुभाषावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम उपयुक्त है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए स्टूडेंट शुड बी पेनलाइज्ड फॉर यूजिंग देयर मदर टंग और लोकल लैंग्वेज ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, बी द स्कूल शुड एडमिट ओनली दोज स्टूडेंट्स हुज मदर टंग इज सेम एज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, सी द टीचर शुड रिस्पेक्ट एंड क्रिएट ए क्लासरूम इन्वायरमेंट विच सपोर्ट्स इंक्लूजन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, डी द टीचर शुड इग्नोर चिल्ड्रन हु यूज देयर मदर टंग इन द क्लास। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आज के कंटेक्स्ट में मल्टीलिंग्वलिज्म में उसकी अप्रोच को बढ़ावा देना चाहिए टीचर को या क्या करना चाहिए। ऑप्शन में से हम छाट रहे, बिल्कुल सही उत्तर सी द टीचर शुड रिस्पेक्ट एंड क्रिएट ए क्लासरूम इन्वायरमेंट विच सपोर्ट्स इंक्लूजन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन में मल्टीलिंग्वलिज्म में एक क्या है, एक एसेट है, यहाँ पर उसके लिए एक समस्या नहीं है, वहाँ एक रिसोर्स का काम कर रही है।
और ये बात बताई गई है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में सबका साथ सबका विकास, मतलब कि सारे मल्टीलिंग्वेलिज में है तो उसको रिसोर्स के रूप में यूज करके और बच्चों को बहुत सारी लैंग्वेज बहुत सारे शब्द सीखने को मिलते हैं, ये उसकी बुराई नहीं है। टीचर को क्या करना है, उसको रिस्पेक्ट करना है जो भी उनकी मदर टंग होती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या हो रहा है कि टीचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए मल्टीलिंग्वलिज्म का, और क्लासरूम इन्वायरमेंट इस तरीके से बनाया जाए जिससे कि उनका सपोर्ट हो और सभी बच्चे सबका साथ सबका विकास हो सके, तो ये बात है वो सही हो जाती है, सही अप्रोच हो जाती है मल्टीलिंग्वलिज्म के लिए। सही उत्तर होगा सी। और डियर फ्रेंड्स देख लेते बहुत ही इंपॉर्टेंट नए तरीके का क्वेश्चन आ गया है। चिल्ड्रन हु ऑफन सी देयर पेरेंट्स क्रॉस नॉर्मेटिव जेंडर लाइन सच एज मदर्स रिपेयरिंग द अप्लायंसेस एंड फादर्स टेकिंग केयर ऑफ द बेबी आर डैश। बच्चे जो अक्सर अपने माता पिता को मानक लिंग रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माताएं उपकरणों की मरम्मत करती हैं और पिता बच्चे की देखभाल करते हैं, वे हैं डैश, मतलब कि बिल्कुल एक स्टैंडर्ड लाइन होती है, नॉर्मेटिव जेंडर लाइन होती है कि महिलाएं हैं ये काम करती है और पुरुष सिर्फ ये काम करते हैं। उससे हट करके और नए तरीके की यहाँ कार्य बच्चे देख रहे हैं, माताएं हैं वो अप्लायंसेज को सुधार रही है मतलब उपकरणों को ठीक कर रही है, और पिता हैं वो बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, तो क्या चीज देखने को उनको मिल रही है। ऑप्शन देख लेते हैं, ये लेस लाइकली टू एडेयर टू जेंडर स्टीरियोटाइप्स, बी मोर लाइकली टू प्रैक्टिस जेंडर सेग्रीगेशन, सी मोर लाइकली टू प्रैक्टिस जेंडर स्टीरियोटाइप्स, डी लेस लाइकली टू ब्रेक जेंडर नॉर्म्स प्रीवेलेंट इन सोसाइटी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, लेस लाइकली टू एडेयर टू जेंडर स्टीरियोटाइप्स, मतलब कि जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि कार्य है उसका समाज ने बंटवारा कर दिया गया है कि वहां पर महिलाएं हैं लड़कियां हैं सिर्फ ये कार्य कर सकती है, पुरुष है वो सिर्फ ये कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर लीक से हटके क्या हो रहा है कि माताएं उपकरणों की देखभाल कर रही है और मरम्मत कर रही है, पिता है वो क्या कर रहे हैं बच्चों को पाल रहे हैं बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। तो यहाँ जो जेंडर स्टीरियोटाइप था कि लिंग के साथ में कार्य जोड़ दिए गए थे वो जेंडर स्टीरियोटाइप कहलाता है, उसमें लेस मतलब कि जेंडर स्टीरियोटाइप से हट करके और बच्चे जेंडर से हटके कार्य करते हुए देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है लेस लाइकली टू एड है टू जेंडर स्टीरियोटाइप हो रहा है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। अगला सवाल देख लेते 338, द पर्पजेज ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो 2020 पर भी क्वेश्चन आ गया और अभी आने वाले समय में 2020 है उसका ही प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, तो क्वेश्चन भी आना शुरू हो गए टपकना शुरू हो गए 2020 से। एनईपी 2020 के अनुसार एनईपी के पर्पजेज हैं वो कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर कुछ पर्पज बता रखे हैं, इनमें से हमें छांटने हैं कि 2020 के अनुसार पर्पजेज हैं वो कौन कौन से असेसमेंट के। पहला देख लेते हैं, टू जनरेट स्ट्रेस एंड इंड्यूस फियर अमंगस्ट स्टूडेंट्स टू एंश्योर लर्निंग लेवल्स, सेकेंड टू रिवाइज टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, थर्ड टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड डेवलपमेंट, फोर्थ टू सपोर्ट स्टूडेंट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम। तो पर्पजेज ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 के अनुसार क्या होंगे, ऑप्शन देख लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्य हैं कौन से होंगे। ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं, ए फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, बी फर्स्ट एंड थर्ड, सी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, डी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पर पहला देख लेते हैं, टू जनरेट स्ट्रेस एंड इंड्यूस फियर अमॉन्गस्ट स्टूडेंट्स टू एंश्योर लर्निंग लेवल्स, तो ये बात बिल्कुल बेकार हो जाती है, स्ट्रेस और फियर पैदा करना, डर और दबाव पैदा करना, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये पुराने जमाने की बातें थी। यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, 21वीं सदी की पॉलिसी है, तो बिल्कुल ये पॉइंट है गलत हो जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। सेकंड देख लेते हैं, टू रिवाइज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको रिवाइज किया जा रहा है और एनईपी में ये रखे गए हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेज है वो इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग हो गया है, साथ में ही टॉय बेस्ड लर्निंग हो गई है, तो बहुत सारी चीजें हैं वो बदल गई है एनईपी में। थर्ड देख लेते हैं, टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड डेवलपमेंट, मतलब लर्निंग और डेवलपमेंट को ऑप्टिमाइज करना है, उसको बिल्कुल अच्छे लेवल पर लेके आना है,
फोर्थ टू सपोर्ट स्टूडेंट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम। तो ये सारे एस्पेक्ट है वो NEP 2020 में रखे गए हैं। पहले वाला है वो गलत हो रहा है और यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो रहा है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 339, डायनेमिक असेसमेंट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड डैस, गतिशील मूल्यांकन डैस को समझने में मदद करता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए द इंटेलिजेंस क्वेशेंट ऑफ ए चाइल्ड, बी रिलेटिव रैंक ऑफ द स्टूडेंट इन कंपैरिजन टू हर पीयर्स, सी द स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स ऑफ ए चाइल्ड, डी इफ चाइल्ड इज फिट टू स्टडी इन ए रेगुलर क्लास और नॉट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डायनेमिक असेसमेंट है वो क्या मदद करता है, क्या चीज को जानने में परखने में मदद करता है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, द स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स ऑफ ए चाइल्ड। डायनेमिक असेसमेंट है वो क्या बात को बता रहा है कि बच्चे को किस चीज की जरूरत है, क्योंकि जरूरतें हैं वो बदलती हैं, बच्चे की आवश्यकताएं बदलती हैं, उसको किस चीज में आपको हेल्प करनी है, तो आपका असेसमेंट है उसके बच्चे के अनुसार बदलते जाना चाहिए, डायनेमिक्स वन पर होनी चाहिए। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। और डियर फ्रेंड्स T20 का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 344, सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी ए टीचर शुड अवॉइड टू यूज, प्रगतिशाली छात्रों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति का उपयोग करने से बचना चाहिए। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है कि गिफ्टेडनेस बच्चा है तो उसको शामिल करना है आपकी क्लास में, उसको पढ़ाना है इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत, तो कौन सी चीज से हमें बचना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, ए अलाउ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, बी प्रोवाइड एकेडमिक एनरिचमेंट एक्टिविटीज टू स्टूडेंट्स, सी इंप्लीमेंट टीचर सेंटर्ड करिकुलम, डी अलाउ स्टूडेंट्स टू परस्यू इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, इंप्लीमेंट टीचर सेंटर्ड करिकुलम, मतलब कि शिक्षक आधारित करिकुलम है वो इम्प्लीमेंट करना है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगी, इससे हमें बचना चाहिए। बाकी सारे पॉइंट हैं वो ठीक हो जाते हैं, अलाउ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस डाइवर्स प्रोस्पेक्टिव है ये बढ़ावा देने के लिए ठीक है, प्रोवाइड एकेडमिक एनरिचमेंट एक्टिविटीज टू स्टूडेंट्स, तो एकेडमिक एनरिचमेंट एक्टिविटीज है वो गिफ्टेडनेस के लिए तो जरूरी हो जाएंगे, अलाउ स्टूडेंट्स टू परस्यू इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, तो ये भी उनके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे, सारे पॉइंट ठीक हो जाएंगे, परंतु टीचर्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो तो पुराने जमाने की बात हो गई, वहां पर गुरु माना जाता था और गुरु है वो ही सर्वज्ञ होता था, बाकी सारे सामने बैठे हैं वो तो उनको खाली स्लेट बोला जाता था। आज के पर्सपेक्टिव में ये बात गलत है कि जो सामने आपके सामने 40 बच्चे बैठे हैं वो जीरो हैं और आप ही ऑथोरिटेरियन है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो कुछ इननेट पावर लेकर के पैदा हुए, इसलिए वो खाली नहीं है, खाली स्लेट नहीं है, टेबुला रासो नहीं है, वहां पर वो कुछ अपनी पावर्स लेके बैठे हैं, इसलिए टीचर सेंटर्ड करिकुलम है ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाती है और इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए घातक सिद्ध हो सकती है, इसलिए इससे बचना चाहिए। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 के 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए और आज के क्वेश्चन है बिल्कुल एक नए कलेबर में मैं लेकर के आया, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक्स, मतलब कि CDP साइकोलॉजी और स्कूल मैनेजमेंट है उससे संबंधित क्वेश्चन है मैं लेकर के आया, जिसमें बहुत अच्छी चीजें हैं वो शामिल की गई थी, नए सिनारियो में क्वेश्चन हैं वो किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, आजकल के क्वेश्चन का ट्रेंड क्या चल रहा है वो मैं आपके सामने इन क्वेश्चन को प्रस्तुत किया, और ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ DCAC प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन EMRS NCT कंडक्टेड बाई UPSC KVS NVS एंड अदर एग्जामिनेशन लाइक CTET UPTET HPTET STET REET। तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ करके और अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आपके सिलेबस से रिलेटेड सारे कंटेंट हैं अवेलेबल हैं, जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी अवेलेबल है, इसलिए आपकी तैयारी का एक मंच नॉलेज मंडली। आज के क्वेश्चन अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।